आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है, वो बिना वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो। जैस्मीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। जैस्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। मुमकिन है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने जैस्मीन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजू की बात तो यह है कि वह आवाज जैस्मीन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जैस्मीन नहीं, मैं जैस्मीन नहीं हूं। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी, मार डालूंगी सबको। क्या बचपन में ऐसा कोई वाक्या या हादसा गुजरा है जिसका असर जैस्मीन के दिलो दिमाग पर पड़ा हो? डॉक्टर, जैस्मीन जब 10 साल की थी, मेरा छोटा भाई समीर उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए मसूरी जा रहा था। उस रात न जाने क्या हुआ, समीर को वीराने खा गए। लेकिन जब मेरी बच्ची उन वीरानों से बचकर लौटी तो वो जैस्मीन नहीं थी। आप ना उम्मीद मत हुई ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा और मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर आप कुछ दिनों के लिए यहां रुक जाएं
तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। डोंट वरी, जब तक जासमीन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। क्या हुआ रघु, चिल्ला क्यों रहे हो? अभी भी मैंने इस आईने में एक डरावनी चुड़ैल को देखा, और जब मुड़कर मैंने वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस चरस पीना छोड़ दो। मैं तो कब से इसे छोड़ना चाहता हूं, मगर ये कमबख्ती नहीं मुझे छोड़ती। थू! फिर हीरोइन का बाप कुत्ता बन जाता है। लवली आइडिया। दूध दूध इस खोपड़ी में डाल दो। खोपड़ी में? जब मैं इस खोपड़ी से दूध पीता हूं तो इस खोपड़ी से नए नए आइडिया मेंढक की तरह उछल के बाहर आते हैं। स्ट्रेंज, अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। मैं तुम्हें एक बहुत लंबा रोल दूंगा। देखो, मुझे फिल्म फिल्म में काम करना नहीं आता, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। एक बार करोगी तो फिर करना आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे तुम्हें अच्छा भी लगने लगेगा। हाँ, तुम्हारे अंदर वो बात है जो सिर्फ मुझ जैसे डायरेक्टर ही देख सकता है। छोटा चोर बिल्ली, मैंने उसे मार डाला। राम, बिल्ली को मार डाला? अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा। चुप, काली ज़बान मनुष्य। अब क्या करेगा इसका? क्या करेगा? इसको घर का पिछवाड़े में हम लोग गाड़ देगा। और किधर गाड़ेगा वो लोकेशन? हिटकॉक बताएगा। हिटकॉक किधर गाड़ेगा? किधर गाड़ेगा? गाड़ देगा। मार ही डाला मैंने इसे। बिल्ली को मार डाला।